हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। 5G से 100 गुना तेज होगी 6G की स्पीड, एक सेकंड में डाउनलोड होंगे लंबे वीडियो। जी हां, चीन और दूसरे देशों ने 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत भी 6G को लेकर तैयारी कर रहा है। भारत सरकार ने इस साल मार्च में कहा था कि साल 2030 तक भारत में 6G आ जाएगा। 6G नेटवर्क पर हमें 1 TB पर सेकेंड तक की स्पीड मिल सकती है। भारत में अभी 5G ही आनी है। देश के किसी भी कोने से डाल सकेंगे वोट, रिमोट वोटिंग पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। जी हां, देश में वोटरों को किसी भी कोने से वोट देने का अधिकार मिल सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि समय आ गया है कि रिमोट वोटिंग की संभावनाओं को तलाशा जाए। दरअसल मौजूदा नियमों के तहत बहुत सारे लोग इस वजह से वोट नहीं दे पाते कि उन्हें उसी जगह पर वोट देना होगा जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हर साल लोगों की नींद से कम हो रहे हैं 44 घंटे। जी हां, जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों की नींद पहले से उड़ी हुई है। अब डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक लोग हर साल औसतन 44 घंटे की नींद खो रहे हैं। तो वहीं शोधकर्ताओं का अनुमान है कि सन 2100 तक अगर कार्बन उत्सर्जन ऐसे ही चलता रहा तो लोग एक साल में 58 घंटे की नींद खो सकते हैं। पाकिस्तान में अब रात 10 बजे के बाद नहीं होगी शादी, सरकार ने लगाई रोक। जी हां, आर्थिक समस्याओं और बिजली संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में शादी का समय तय कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने रात 10 बजे के बाद शादी समारोह पर रोक लगा दी है। राजधानी इस्लामाबाद में 10 बजे के बाद निकाह नहीं होंगे। इसके साथ ही खाने को लेकर भी पाबंदी लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस न तो भारतीय है और न ही राष्ट्रीय। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में कहा कि कांग्रेस न तो भारतीय है और न ही राष्ट्रीय। उन्होंने कहा कि इसके नेता अब लंदन से बोलते हैं, अब यह केवल भाई बहन की पार्टी बन गई है। नड्डा 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर वह राज्य इकाई के साथ लगातार बैठक करेंगे। यूपी के राज्य कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए करना होगा 1 साल का इंतजार। जी हां, इस साल यूपी के 2 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा, यानी कि जून के महीने में होने वाले नियमित ट्रांसफर इस साल लागू नहीं होंगे। हर साल करीब 20% कर्मचारियों का तबादला होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस बार ट्रांसफर सीजन 0 होगा। 7,240 नए मामलों के साथ दैनिक कोविड मामलों में 40% की भारी उछाल। जी हां, पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 8 लोगों की जान गई। उसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस के 7,240 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 3,591 रोगी डिस्चार्ज हुए हैं। भारत में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 32,498 हो गए हैं। देश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,24,723 पहुंच गई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।